हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेहा नागर ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं नेहा नागर लेकर आई हूं आप लोगों के लिए हेयर से रिगार्डिंग एक न्यू ब्लॉग, क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पर काफ़ी मैसेज आ रहे थे, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि दी आप अपने लॉन्ग हेयर की जर्नी हमसे शेयर कीजिए। आप बताइए कि आपके लॉन्ग हेयर कैसे हुए, आपके बाल इतने लंबे कैसे हुए, आप बालों में क्या लगाती हैं हमें भी बता दीजिए। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी लॉन्ग हेयर जर्नी। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर हेयर के रिगार्डिंग वीडियो आगे अपलोड करती रहूँगी। जो जो आप मुझसे बोलोगे मैं आप लोगों को बताती रहूँगी, तो इसलिए बोल रही हूँ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे बाल शुरू से ही इतने लंबे नहीं थे, मेरे बाल छोटे थे, अब जाके मैंने लंबे किए हैं, और मुझे इन बालों को लंबा करने में कितनी मेहनत लगी है, कितनी ज़्यादा, मतलब आपको मैं इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगी कि मैंने कितनी मेहनत करके इतने लंबे और अच्छे और घने बाल पाए हैं। तो आप भी मेहनत कीजिए, आप भी मेरी तरह इतने लंबे और अच्छे बाल पा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगी कि मेरे 10th क्लास तक बाल बॉय कट रहती थी, मुझको छोटे बाल ज़्यादा पसंद थे, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता था कि इतने लंबे लंबे बाल हो, फिर हेयर वॉश करो काफ़ी दिक्कत सी होती थी, तो इसलिए मैं ज़्यादातर अपने मतलब बॉय कट ही रखती थी। 10th क्लास के बाद जैसे मेरे चाचा की लड़की थी, उनके बाल काफ़ी लंबे थे, मतलब इतने लंबे होंगे, काफ़ी लंबे थे, तो मैं उनके बालों में जब मेहंदी लगाती थी मैं बोलती थी कि काश मेरे बाल भी आपके जितने लंबे हो जाए मुझे, तो वो कहती थी कि अगर मेहनत करेगी तो ज़रूर हो जाएंगे। तो उसके बाद जैसे मैंने बहुतों के लंबे बाल देखे, मेरी खुद की जो मुझसे बड़ी बहन है मेरी, उनके भी काफ़ी लंबे बाल थे, अब नहीं उन्होंने कटा दिए, तो मैं उनको देखकर सोचती थी कि काश मेरे भी इतने लंबे बाल हो जाए। तो फिर मुझे देख कर मुझे लगा कि हाँ, जब मैंने 10th पास कर ली थी उसके बाद 11th में आकर मैंने बाल बढ़ाने शुरू किए, धीरे धीरे मुझे क्रेज सा होने लगा, जैसे मैं सबको देखती थी कि लंबे बाल हैं, तो मैंने सोचा काश मतलब मैं भी अपने बाल इतने लंबे कर सकती हूँ, थोड़ी मेहनत लगेगी पर हो जाएंगे। तो फिर उसके बाद जैसे जैसे मुझे क्रेज सा आया, मैं इनमें ऑयलिंग करती थी टाइम से, मतलब वीक में कम से कम 3 या 4 बार तो मैं अपने हेयर में ऑयलिंग करती थी, बहुत अच्छे से हेयर वॉश करती थी, इनकी बहुत ज़्यादा केयर करती थी, तब जाकर मैंने इतने अच्छे और घने बाल पाए। और बहुत से पूछते हैं कि मुझसे आप अपने बालों में क्या क्या लगाते हो, आप हमें भी बताइए कि आप दी बालों में आइए लगाने से बाल बड़े हो जाएंगे, कब तक लंबे होंगे, कितनी जल्दी घने होंगे, काले भी होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि बाल अपने अंदर आप पेशेंस रखिए, ये नहीं कि आपने कल मतलब जो मैंने आपको टिप्स बताई या कुछ भी आपने टिप्स कल यूज़ करी और आज आपके बाल लंबे हो जाए, घने हो जाए, काले हो जाए, डैंड्रफ ना रहे, कुछ ना रहे, हेयर फॉल ना हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको लंबे बाल करने हैं तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपके अपने बालों के साथ, तब जाकर आपको इतने अच्छे लॉन्ग हेयर मिल पाएंगे। तो मैंने भी बहुत मेहनत की है, क्योंकि मैं जब स्कूल जाती थी तो मुझसे पूछते थे कि अपने बालों में क्या लगाती हो, क्या नहीं लगाती, इतने अच्छे बाल हैं आपके, तो फिर मुझे लगा चलो बढ़ा लेती हूँ। फिर धीरे धीरे फिर 12th के बाद मेरे मतलब ढूंढे तक हो गए थे, फिर मुझे लगा कि हाँ अब तो बढ़ाने ही चाहिए। फिर मैं मतलब घर में जो दीदी थी मेरी, वो बोलती थी कि बाल कटा लो, नीचे से बाल कटा लो, पर मैं नहीं कटाती थी। बाल बढ़ाने शुरू किए थे, फिर उसके बाद मैं अपने बालों की बहुत ज़्यादा केयर करती थी, मुझे स्कूल भी जाना पड़ता था, पढ़ाई भी करनी थी, पर साथ के साथ मैं अपने बालों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती थी। और जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो डाली है मेहंदी वाली, मैं अपनी बालों में मेहंदी तो शुरू से ही लगाती हूँ, जब मेरे बॉय कटते ना मैं तब भी मेहंदी लगाती थी और आज भी मेहंदी लगाती हूँ, क्योंकि मुझे मेहंदी लगाना पसंद है, उससे मेरे बाल बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। मैं 15 दिन या महीने में एक बार मेहंदी लगा ही लेती हूँ। तो 12th तक मेरे बाल ढूंढे तक आ गए थे, फिर 12th के बाद मेरी शादी हो गई, फिर उसके बाद मुझे लगा कि अब नॉर्मली बाल बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे, पर मैंने बालों की केयर करनी कभी नहीं छोड़ी, मैं अपने बालों पर खुद से भी ज़्यादा ध्यान देने लगी, क्योंकि जैसे जैसे बाल बड़े होने लगे तो मुझे भी क्रेज सा आने लगा कि हाँ, जब सब लोग देखते थे बोलते थे कि आपके बाल बहुत अच्छे हैं, आप क्या लगाते हो क्या लगाते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि लोगों को मेरे बाल इतने अच्छे लग रहे हैं, तो मुझे इन पर और भी ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। तो इसलिए मैं आपसे बोलती हूँ
कि आप मेहनत करो, आपके बाल बहुत जल्दी बड़े होंगे। ये नहीं है कि आप एक दो बार चीज़ें यूज़ करके या 10 दिन कर ली, 15 दिन कर ली, बाद बीच में ब्रेक कर दिया, फिर आप बोलने लगे कि हमको तो फ़ायदा नहीं हो रहा है, हमारे बाल बढ़ नहीं रहे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं 10th क्लास के बाद से बढ़ाने शुरू कर रहे थे और आज आप देख रहे हैं रिजल्ट मेरे बालों का। तो मैं आपको यही बताऊंगी कि आप मेहनत करिए, आपके बाल ज़रूर लंबे होंगे। और मेरे जैसे बाल चाहते हो तो आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो। आप टिप्स, जो मैं टिप्स आपको बताती हूँ वो लोग फॉलो करते रहिए। और जो मैं पर्सनली खुद यूज़ करती हूँ, मैंने पहले भी बता रखा है, जो मैं पर्सनली खुद अपने बालों में लगाती हूँ मैं वही आपको बताती हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, अपनी हेयर ग्रो के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको अपने बालों में ऑयलिंग टाइम टू टाइम करनी है। क्योंकि अगर हम अपने बालों में ऑयलिंग ठीक से करेंगे और हमारे बालों को ऑयलिंग ठीक से मिलेगी तो उसके बाद अपना हमारे बालों में रूखापन नहीं रहेगा, और अगर रूखापन नहीं रहेगा तो बालों को ग्रो करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो ऑयलिंग बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है बालों के लिए। ऑयलिंग करने से आपके बालों में हेयर फॉल बहुत काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और आप कम से कम 1 वीक में 3 बार तो आपको ज़रूरी ज़रूर अपने हेयर वॉश कर लें, क्योंकि बालों में गंदगी बिल्कुल नहीं छोड़नी। अगर आप के बाल आप 1 वीक में 1 बार वॉश करते हैं या 2 बार वॉश करते हैं तो आप 3 बार वॉश करिए, बालों में अच्छे से ऑयलिंग करिए। और जो भी टिप्स मैं आपको बताती हूँ वो आप यूज़ करते रहिए। मैं आपको पक्का बताती हूँ कि आपके बाल ज़रूर ग्रो करेंगे, आपके बालों में हेयर फॉल बिल्कुल नहीं रहेगा। आगे आने वाली वीडियो में आपको बताऊँगी कि हेयर फॉल आप कितनी जल्दी और कैसे कम कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ज़रूर, क्योंकि आगे मैं आपको काफ़ी ज़्यादा टिप्स बताने वाली हूँ हेयर के ऊपर। तो चलिए, ये थी मेरी लॉन्ग हेयर जर्नी जो मैंने आपके साथ शेयर की। और हाँ, मैं अपने बॉय कट का जो फ़ोटो था पहले, वो अगर मिल जाएगा तो मैं आपको इस वीडियो में आपको दिखा दूंगी। तो पहले और अब में आप अंतर देखिए। इस अंतर को लाने के लिए, इतने अच्छे हेयर पाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है। तो आप भी कीजिए मेहनत, फल आपको ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, काफ़ी फ्रेंडों की रिक्वेस्ट आती है कि दी शादी के बाद बेबी हो जाते हैं तो बेबी के बाद बाल झड़ने लगते हैं, बाल ठीक से ग्रो नहीं कर पाते हैं, तो आप हमें कुछ बताइए। तो मैं आपको बता दूँ, मेरी 12th के बाद शादी हो गई थी, शादी के 2 ईयर बाद मेरे बेबी हो गया था। फिर उसके बाद बालों में काफ़ी दिक्कत आने लगी, बाल झड़ने लगे, फिर मुझे काफ़ी ध्यान देना पड़ा बालों के ऊपर भी और बेबी के ऊपर भी। काम इतना हो जाता था, घर का काम भी, बेबी का काम भी, ऊपर से बालों की केयर करनी। तो मैंने अपने बालों की केयर करनी कभी भी नहीं छोड़ी है। मैं आज भी उतनी केयर करती हूँ जितनी मैं शादी से पहले करती थी या बेबी होने से पहले करती थी। आज भी अपने बालों पर उतना ही ध्यान देती हूँ, तब जाकर मुझे इतने अच्छे घने और सिल्की हेयर मिले हैं। जो भी मैं आगे अपने हेयर में यूज़ करूँगी वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर किया करूँगी। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना कि आपको अगली वीडियो किसके रिगार्डिंग चाहिए। आप इंस्टाग्राम पर DM कर देना या YouTube पर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।